बौद्ध धर्म जो है जीने की कला सिखाता है व्यक्ति को, क्योंकि बौद्ध धर्म के अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म में आ जाएं तो और भी अच्छा होगा। अभी देखो हमारे लोग भी जो है 98% लोग हिंदू हैं, लेकिन हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि उनको बौद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भगमाने भग्न करना और वानमाने तृष्णा, जिस व्यक्ति ने अपनी तृष्णाओं का हनन कर दिया हो, मार दिया हो, हटा दिया हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष लोभ मोह और तृष्णा का त्याग कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख रहे होंगे जो कि धम्म ज्ञान समारोह चल रहा है। आज आषाढ़ पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव पर ये धम्म ज्ञान का समारोह चल रहा है, जहां आपको बता दें कि कल बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और काफ़ी लोग यहां पे उपस्थित हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी भी यहां पे कुछ कार्यक्रम चल ही रहा है। लगातार जो कार्यक्रम में जिन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा निभाया है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पे उपलब्ध कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, आज के दिन भगवान बुद्ध ने धम्म का, बौद्ध धम्म का चक्का घुमाया था सारनाथ में। और बोलो तो इससे मतलब क्या मैसेज दिया जा रहा है सबको? इस सबसे यही मैसेज दिया जा रहा है कि इसी प्रकार आने वाले समय में भी लोग जो है इस पर्व को मनाते रहें और बौद्ध धर्म का को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। सर, एक राजनीति से अगर सवाल पूछूं तो आजकल देश में बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या आने वाले समय में हिंदू बौद्ध होगा? अभी देखो हमारे लोग भी जो है 98% लोग हिंदू हैं, लेकिन हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि उनको बौद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्यों ये कन्वर्जन क्यों? हाँ, ये इसलिए है कि बौद्ध धर्म जो है जीने की कला सिखाता है व्यक्ति को। यहाँ पे आडंबरवाद नहीं है, यहाँ पे साइंटिफिक धर्म है और जो इसको अपनाता है वही जो है शिखर पर चढ़ने का प्रयास करता है, उसका भला होता है, मंगल होता है, अच्छा उसका घर चलता है। इसलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करना हर व्यक्ति का धर्म है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म में आ जाएं तो और भी अच्छा होगा। हिंदू धर्म के लोग तो भगवान बुद्ध को विष्णु के 8वें अवतार बताते हैं, उन्हें अपने ही भगवान बताते हैं, अलग नहीं मानते वो तो। ऐसा नहीं है, वो मानते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान बुद्ध किसी के अवतार नहीं थे, वो तो एक नारी के पेट से पैदा हुए थे, है ना। उनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोदन था, है ना। उनकी पत्नी का नाम जो है वो क्या नाम था पत्नी का नाम? सर, बाकी सारे भगवान भी तो माता के पेट से ही, माता के गर्भ से ही आए हैं ना। हाँ, माता के गर्भ से। अलग क्या है? माता के गर्भ से आए इसलिए अलग हैं वो, बाकी तो देवी देवता वो जो है ना वो कहते हैं हम जो है वो मैं भगवान कृष्ण भी देवकी के पेट से आए थे, राम भी कौशल्या के पेट से आए थे। हाँ, तो वो अपने को भगवान मानते हैं, वो कहते हैं ये भगवान बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। भगवान तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने राग द्वेष लोभ मोह और तृष्णा का त्याग कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। भगमाने भग्न करना और वानमाने तृष्णा, जिस व्यक्ति ने अपनी तृष्णाओं का हनन कर दिया हो, मार दिया हो, हटा दिया हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या कुछ उनकी बातें हैं जिस पे वो बोलना चाहते हैं, और ये जो पूरा महोत्सव चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इस पर उनकी क्या राय है, क्या समारोह क्या चल रहा है? ये अभी जो समारोह में हम आए हैं, ये ज्ञान समारोह क्या मतलब है इसका? ये बाबा साहब का है, ये धम्म ज्ञान समारोह क्या चल रहा है? ये धम्मचक्र परिवर्तन चला बेटा। इससे क्या मतलब, क्या मैसेज दिया जा रहा है लोगों को? इससे जो भगवान बुद्ध ने मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको फैलाना,
भगवान बुद्ध के ज्ञान को फैलाना। हाँ। किस तरीके से फैला रहे, कौन सा मैसेज दे रहे भगवान बुद्ध के? ये के मतलब संसार में दुख है, दुख का कारण है और अष्टांगी मार्ग। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस बात पर, इस समारोह के बारे में। सर क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे धम्मचक्र पौतन दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। आज ही के दिन तथागत बुद्ध ने सबसे पहले 5 भिक्षुओं को परिवर्जित किया था और उन्हें चारों दिशाओं में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो अभी क्या मैसेज दिया जा रहा है? समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों से यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन जिस तरह से आप लोग एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, ये कारवां सिर्फ एक दिन के लिए ना हो, ये दिन प्रतिदिन अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहें, जिससे कि हम तथागत बुद्ध का जो कुल मिलाकर लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए बिल्कुल, क्योंकि बौद्ध धर्म के अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्म का मतलब तो मार्ग, और इससे अच्छा रास्ता हमें कोई मिलने वाला और नहीं है। हर धर्म में छोटे बड़े की भावना होती है, लेकिन बौद्ध धम्म एक ऐसा मार्ग है, यहाँ पे सभी बराबर होते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबका मान सम्मान यहाँ पर बराबर होता है। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप आएँ बुद्ध के मार्ग पर, अपनाएं बौद्ध धम्म और अपने जीवन को सफल बनाएं, और साथ ही साथ प्राणी मात्र के हिंसा करने से दूर रहें, नशे से दूर रहें, और किसी प्रकार की गलत भावना आपके अंदर प्रकट ना हो, ऐसी मैं कामना आपके लिए करता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो धम्म ज्ञान समारोह है। धम्म का मतलब, जो जैसा कि सर ने बताया कि धम्म का मतलब रास्ता है, और बौद्ध धर्म से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है, और सबको बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, ऐसा इस समारोह से मैसेज दिया जा रहा है लोगों को। कैमरामैन बॉबी के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।